Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Siddhi Official Vlog and hope you all are doing very very good. ताज़े कुछ अपन मैंने बहुत फॉलो किए हैं, बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए ब्लॉग बने नहीं थे, तो फाइनली आज भाभी जी के ब्लॉग बने देवी. तो आज मैं जाऊँ ची एक्चुअली जयपुर पहुँचे सारे ऑलरेडी. तो आज एक्चुअली मोर काम अच्छी प्लस ब्यूटी रे तांके गोटे कौन गोटे ऑर्गेनाइज कर ठीक से मुझे एक्चुअली जानी बट आम गले कथा. तो एज ए मॉडल से मत इनवाइट करते तो ये मानते मोर एग्जाम चलता आप जानते मुझे इंस्टा स्टोरी बोली देखी तो ताकि रिल्स फिल्स बनवा बंद कर देती बहुत दिन है इनस्टार मुझे गायब थी एंड ऑल. तापर एबे एग्जाम सर पर मोर ए दिन है शूटिंग मूवी शूटिंग चलता मोर जोड़ा फिल्म आसा जा अपकमिंग आपने जाणी सारे ऑलरेडी. तो तार शूटिंग थिला दि दिन तापर से सरला तापर आज आउ पुणी थे जयपुर आसिया. तो एते सब काम भितर एक्चुअली कहा सहित कौन मोर अच्छे से सब मुझे टोटाली भूल जाइए जोड़ी जोड़ा जाऊँ जोड़ा जो जानूँ से डायरेक्ट कराया पड़े. तो मोर नेल एक्चुअली बहुत खराब है तो आगो को मोर पुणी मूवी शूटिंग अच्छी मोर मूवी दुटा गीत पेंडिंग अच्छी तो बहुत सारा शूटिंग अच्छी जेहेतु मोर नेल्स पूरा खराब है. एक्चुअली मुझ खोजुली किए गोटे भल मत मिलू नेल आर्टिस्ट जे मोर नेल एक्सट्रेक्शन करेब. तो एक्चुअली मत सजेस्ट कर बहुत जन नेल हब बोली गोटे खोली जयपुर रे. तो एक्चुअली आज मोर काम होगा मुझे जाकि आगे मोर नेल्स आगे ठीक करी तापर जाइए ब्लस ब्यूटी जी तापर जदि रहा मोर काम धंदा सब सर आसबी. तो चलतु फर्स्ट जावा नेल हब से भी मत इनवाइट करफकोर्स इनस्टाग्राम रु मुझे सहित कथी आगर. तो जीत सहित कथी मोर एपार्टमेंट नहीं जाइए. तो जी नेल्स कि गोटे भल गोटे डिजाइन देख बनवापर मुझे गलापर आपर नेल हब्र लोकेशन एंड केमी भितर सर्विस दौरान एंड केमी बिहेवियर एंड केमी अच्छी नेल हब्टा मुझे श्योर कवर करके देखेबी. सो लेट्स गो जीवा कि गोटे कर और आपको कलरिंग वगैरह करना है तो उसका अलग चार्जेस है. कलरिंग का 200 और ये फ्रेंच नेल्स का 400, ओम्ब्रे का 400 और ये प्रीमियम नेल्स का 500 और रिमूवल के लिए. ओके नाइस. यहाँ पे कलर्स भी आप देख सकते हो, ये बहुत ज्यादा मस्त मस्त कलर्स हैं यहाँ पे. तो मेरे को एक डिजाइन अभी चूज करना है और उसके बाद मैं करूंगी कुछ नेल्स का. So let's start it. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली ये मोर नेल रिमूव होटा मोर आगुरु नेल पॉलिश लगी. तो कल जेहेतु मोर शूटिंग थिला तो शूटिंग रे मोर नेल पेंट होता तो सेटा आगो रिमूव हबो तापर जाइके स्टार्ट हबो. बस
एक्चुअली करेंट पड़ेगा सेम रही जाइए गोटे 10-20 मिनट आम से बस थो तो ये सब कम हो जाए मेल अलरेडी बस ए जेल लगी तो यू टी टाइम छाड़ा देन आउ सब नेल भी जेल लगे सेम हम देपर नेल पेंट हम मु गोटे गूगल रू काढ़ी गोटे आर्ट से देखा जाओ कौन हो टाइम हो गला ऑलरेडी टाइम कितना 140 हो गया मत एक्चुअली 130 भितर जिबार थिला सेलोन बट कौन करे करंट सार देलानी मोर दैट्स इट हाउ देखिया केते जल्दी काम हो छे काम सरी जिबा तो अपन माने जे देखते बे एते टाइम पर फाइनली मोर जहां भी थिला माने मु जोटा एक्चुअली भापे थिले मोर ओवरहेड पे करे जे बोली से आटा मोर इथि करे छे अपन माने देख पर छे एने के यूनिक थिला बट आई नीडेड टू मते एटा दरकार थिला सो दैट्स व्हाई एटा मु करैछि अपन मानको केमथि लागला प्लीज कमेंट बॉक्स रे जानेबे एंड बहुत ही भलो भाबे करैछन्ती एंड एटा 3-4 मास रे बाहरी पनि से कहिछन्ती एंड 20 डेज परे आरो गोटे थाय लाइक नुआ नख जोना पड़ी जाए तो ताकु टिके सेफ करैबा पई आउ थरे आसेबो पड़िबो तो दैट्स इट एडी जेमथि लेखा हैछि टैटू एंड नेम हाउस एटा टैटू भी करा जाउछि अपन मानको कहि दउछि नेम हाउस सहित एटा टैटू हब भी अछि तो टैटू माने भी तो अपन माने आसके भी करेंगे एंड से लिखा है यू थिंक इट एंड आई थिंक इट ओके तो सेटा एक्चुअली वो बस के भाबू थी कि हां वो जोटा थिंक करके आसली ओके तो दैट्स इट बहुत ही बढ़िया लगे ना एंड अपन माने जो जयपुर में रहू छती एंड इटू पूरी बिलोंग कर छती तो प्लीज जल्दी जल्दी आसो तो अपन मान कर जो किसी मेल में जो किसी आर्ट करे बर थी को आसी के एडी करा तो लोकेशन मो अपन मान को आगर कोई सर्च एंड आउदर कह दियो छी एमजी रोड प्लस गेट जो भी अच्छी तार पाखापाखि रे ही मेल हब अच्छी आपण माने आसी की एठे कर देबे जेल रोड ओके एमजी रोड रो बाईपास रे जो आगु को आसे पर बाईपास रे जो जेल रोड ता अच्छी आरो साइड वाला होटल ना नाम उदय पैलेस नेम हब बोली सर्च कर देबे गूगल रे लोकेशन रे लोकेशन ता आसे बने हो तो आसी के एठे कर देबे दैट्स इट तो आज भाई एतिके चलो बाय बाय समस्त को एठी मोर काम अछि आउ टिके आगो गले सो जल्दी जल्दी जिबा सेटिंग भी आपन मन से जाके देखि छी हां केना वीडियो कर ले कोई एक करने से ना हां इसको दे दो ये मत और के वी आर इंक्लूड के इंक्लूड का मोदी देखती ठीक है मुझे नहीं जानते हो ये है मेरे टीम में मानी आयशु आजो काजल करते अभी ट्रेनिंग कर रहा हूं नचती नचती जब तू नचती खाली वीडियो करते हो ये उमा अर्चना दियो देखिए अच्छे से हम लोगों को जब आगे खड़े होती है अपना इंट्रोड्यूस कर लो कहाँ से आए हो और नाम क्या है बता दिया जाएगा हमारे यहाँ करने से क्या क्या फायदा है क्या क्या नहीं अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तब आप लोग आराम से बता देना ठीक है ओके तो आज का टॉपिक होगा हमारा एक स्किन का रहेगा एक हेयर का रहेगा ओके तो स्किन में क्या रहेगा हम लोग एक ट्रीटमेंट बेसिक में हम लोग एक फेशियल दिखाएंगे एक फेशियल करने से आप लोग कोई कौन कौन करता है फेशियल बताओ कोई किए हो मतलब खुद के ऊपर ऐसे करना नहीं बोल रही हूँ करते हो खुद के ऊपर
सैलून जाके या फिर पार्लर जाके कराते हो? नहीं, फोन आप कराते हैं? हाँ, तो किस वे में करते हैं हम लोगों का जो होता है ना, ये हाथ है, यही मैजिक है, ठीक है? हम लोग को जो सिखाया जाता है यही मैजिक है, हम लोग मैजिशियन है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी क्लाइंट को जो भी स्किन प्रॉब्लम लेके आते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं उनके स्किन अकॉर्डिंग। तो स्किन में हम लोग पहले पढ़ाई करेंगे, उसके बाद हेयर में पढ़ाएंगे, ठीक है? फ्लेकीनेस, डलनेस और फ्लेकीनेस, ओके? और क्या होता है ड्राइनेस में, खींचा लगना, मतलब एकदम खिंचावट टाइप का लगता है, उसमें ना ही तो कोई मॉइस्चर होता है, ना ही कोई मतलब जान, बिना जान का वो स्किन है, वैसे लगता है, ठीक है? समझ में आया ड्राई स्किन? तो आप लोग कैसे पता चलेगा, जिनका स्किन खींचा होता है ना, मतलब ऐसे फेस वॉश करने के बाद एकदम रूखा रूखा लगेगा पूरा, और कुछ भी अगर पाउडर वगैरह जो भी लगाओ, क्रीम लगाओ या फिर फाउंडेशन लगाओ, कुछ भी लगाने से वो फ्लेकीनेस आएगा, दिखेगा एकदम लाइन्स लाइन्स होके, फटना जैसा, पैचेस टाइप का ऐसे दिखता है, तो उसको हम लोग ड्राई स्किन पहचानेंगे, ओके? फिर नेक्स्ट क्या आएगा, ड्राई स्किन हुआ, क्लियर हुआ? या और कुछ जानना है? ओके, ड्राई स्किन के लिए रेमेडी भी तो हमको जानना है ना, कैसे ड्राई स्किन, मतलब हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है स्किन केयर में, स्किन के अकॉर्डिंगली हमें प्रोडक्ट यूज करना है, समझ रहे हो? तो ड्राई स्किन का, अगर मेरा ड्राई स्किन है, मैं अगर ऑयली स्किन का प्रोडक्ट यूज करूंगी तो मेरा स्किन क्या होगा, और ड्राई हो जाएगा, है ना? और ड्राई होगा और फ्लेकीनेस आएगा। तो हमें क्या करना है, ड्राई स्किन वाला क्या करना है, मॉइस्चराइज करके रखना है अपने स्किन को, क्या करना है, ऐसे प्रोडक्ट यूज करना है, ऐसे क्लींजिंग टॉनिक। तो हम लोग ऐसे तो मतलब हमेशा तो धोते नहीं ना, तीन चार जगह कितना फेसियल रखेंगे, एक बार छह सात जगह ऐसा भी तो फेशियल होता है, तो क्या करेंगे हम लोग, यूजुअली थ्रो बेडशीट। बता रहे हैं और आज का हमारा मॉडल है सिद्धि। सिद्धि को कौन कौन जानते हैं, थोड़ा बोले तो सभी जानते हैं ना। तो सिद्धि एक पॉपुलर फेस है जयपुर का, हाँ जयपुर का एक पॉपुलर फेस है। और मैम की हेयर भी बहुत डैमेज, आप देखोगे अभी वो डैमेज हो गया है, तो उनको ट्रीटमेंट करेंगे अब, ठीक है? पहले हम लोगों को स्पा करने से पहले क्या करना है, जो भी हम लोग पास क्लाइंट आते हैं तो हमें क्या काउंसलिंग करना है, ठीक है, उनके साथ। तो मैम का क्या होगा वो माही मैम अभी पूछेंगे, सुन लीजिए सब। पहले क्लाइंट का हेयर चेक करना है कि उनका हेयर का कंडीशन क्या है, वो
दूसरा ये चेक करना है कि उन्होंने केमिकल कौन सा किया है हेयर में, लाइक कलर हो, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, केराटिन, कुछ भी, तो उस सबका अलग अलग प्रोसेस होता है स्पा करने का। तो आपने कौन सा किया है? स्मूथनिंग। स्मूथनिंग, इनका स्मूथनिंग हुआ है तो उसके उस अकॉर्डिंग टू हम लोग वो ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे, फेस ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसे ऐसे अंगूठे दो। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि व्हाट इज हेयर, हेयर क्या है? तो मैं यहाँ पे कुछ थ्योरी आपके लिए लेके आई हूँ। हेयर इज सिंपल इन स्ट्रक्चर बट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशल फंक्शन। हेयर इज मेड अप ऑफ केरा प्रोटीन कॉल्ड केराटिन। हेयर एक हमारा एक लाइक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके जो काम है वो हमारे सोशल फंक्शनिंग में से काम होते हैं, मतलब कि जो हमारा काम होता है उसको केयर करना, वो करता वो हमारे पे होता है, ठीक है। और ये केरा बोल के प्रोटीन हमारे बॉडी में है, उसको अभी बोला जाता है केरा प्रोटीन, ठीक है, केराटिन। तो अभी जो एक ट्रीटमेंट निकला है केराटिन केराटिन केराटिन, तो वो प्रोटीन हमारे बॉडी में है, जबकि वो अगर कम हो जाते हैं ज्यादा होते हैं उस लेवल के हिसाब से हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। अगर कम हो गए तो हमारा हेयर खराब हो जाता है, अगर अच्छा रहे तो फिर हमारा हेल्थ मतलब कि हेयर का कंडीशन अच्छा होता है। तो इसलिए अगर जिसका जिसके बॉडी में प्रोटीन कम होता है केरा प्रोटीन, तो वो लोग केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ हेयर, कितने टाइप्स के हेयर होते हैं, मैंने तीन लिखा है और जो बहुत सारे टाइप्स हैं। तो नॉर्मल ड्राई नॉर्मल होते हैं, ड्राई होते हैं, ग्रीजी, ग्रीजी मीन्स बहुत ऑयली टाइप के जो होते हैं जिसका स्काल्प बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है उनको ग्रीजी बोलते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ हेयर है। और हेयर के लेयर्स, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मिडुलर, आपको पता है क्यूटिकल कौन सा लेयर होता है? क्यूटिकल कौन सा लेयर होता है हमारे हेयर का? फर्स्ट लेयर। मिडुलर। अच्छा, ये तीन लेयर्स आपको पता है हेयर के? हाँ, कौन कौन से ये पता है? आप में से किसी को नहीं पता है। तो हेयर के तीन लेयर्स होते हैं, एक क्यूटिकल, फर्स्ट लेयर्स का नाम होता है क्यूटिकल, मतलब कि एक हमारा हेयर है, अपने अपने बालों को देखो ये दिख रहा है एक, लेकिन ये लेयर्स है हमारा थ्री, ये थ्री लेयर्स है। तो फर्स्ट सबसे ऊपर जो हमको दिख रहा है वो क्यूटिकल है, उसके अंदर और एक है कॉर्टेक्स, उसके अंदर और एक है मेडुला। तो हम जो स्पा करते हैं वो हमारे क्यूटिकल तक ही पहुंचता है, कॉर्टेक्स मेडुला तक नहीं पहुंचता, तो वो सिर्फ क्यूटिकल पे काम करता है। क्यूटिकल जो हमारा जो ऊपर दिखता है, तो हम स्पा करेंगे वो हमारे हेयर में शाइनिंग जो आएगा वो बस ऊपर दिखेगा, हमारे अंदर के लिए नहीं होगा। तो व्हाट इज हेयर स्पा? हेयर स्पा क्यों करते हैं, वो क्या है? ए टिपिकल हेयर स्पा कंसिस्ट ऑफ ऑयल मसाज, शैम्पू, हेयर मास्क एंड डीप कंडीशनिंग टूगेदर। दिस स्टेप हेल्प रिकवर द हेयर शाइन एंड मॉइस्चर। ये तीन चीज, ऑयल मसाज, हेयर शैम्पू एंड मास्क एंड डीप कंडीशनिंग, ये चार चीजों को मिलाकर एक बना है स्पा। तो वो करने से ये चार का हमको बेनिफिट्स होता है। डीपली शैम्पू होता है फर्स्ट, तब भी हमारे जितने भी डस्ट होते हैं हेयर में वो पूरा क्लीन होते हैं डीपली, देन फिर ये लगता है हमारा कंडीशनर उसमें अवॉइड है, देन फिर हमारा मास्क लगता है मतलब स्पा क्रीम। तो वो जो है हमारा ऑयल का भी काम करता है और कंडीशनर का भी काम करता है और हमारे हेयर को बहुत अच्छा सॉफ्टली करता है। टाइप्स ऑफ हेयर स्पा, कितने टाइप्स के हेयर स्पा, ये सारा ट्रीटमेंट वाला है। एक हेयर फॉल ट्रीटमेंट है और एक ऑयली ट्रीटमेंट है, एक ड्राई स्काल ट्रीटमेंट है और कलर कोटेड के लिए अलग आता है, स्मूथिंग स्ट्रेटनिंग के लिए केराटिन स्पा एंड डेंटल स्पा। इतने सारे टाइप्स ऑफ सेवन स्पा है, इतने सारे आते हैं। एंड हेयर स्पा क्रीम वर्क ऑन विच लेयर आवर हेयर, कौन सा लेयर में हमारा स्पा क्रीम काम करता है? हेयर स्पा क्रीम इज हेयर केयर प्रोडक्ट, ए टिपिकली वर्क ऑन द आउटर मोस्ट लेयर। ये सबसे हमारा ऊपर वाला आउटर में सबसे ऊपर क्यूटिकल, उस लेयर में काम करता है। हेयर स्पा क्रीम आर फॉर्मुलेटेड विद इंग्रेडिएंट्स सच एज कॉर्टेक्स, एमिनो एसिड एंड विटामिन दैट कैन पेनिट्रेट द क्यूटिकल लेयर्स एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द हेयर, रिड्यूस फिजीनेस एंड इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट हेयर स्किन केयर तुमको स्किन रेकॉर्डिंग तुम्हारे हेयर मध्य ऑयली अच्छे ड्राई अच्छे लाइक ग्रेसी अच्छे तुम टाइप इसका इंटरव्यू हमें वाटर लेना है, तो मैं अपना दांत से ले लूँ, डायरेक्ट सैंपल एप्लीकेशन निकल लूँगा उसमें। एक्सेप्ट हमरो हेयर भी रोज़ सिवन लेवल जो था हमरो हाई रोज़ी, ताले विदिन कॉरेज स्कार्प को ना पूरा ऑयल ऑफ़ ना मिटिया में आते लोग ना, फिर मुझे तेल लोग के लिए तेल सेंटी नहीं कौन हुए सिगम लेकर पहले स्कॉल को क्लीन करना है, पहले स्कॉल को क्लीन करना है, उसके बाद सेंटी हम वीडियो पार्ट करना है, उसके बाद क्लीन करना है। जैसे कि मतलब शैम्पू में आपको नॉर्मल से ऐसे ही बस अंकल में मसाज भी करना है। स्कॉल प्रो किसी प्रॉब्लम ओके, तो सेट अवर क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हो जाए हमें पॉल्यूशन जो थे बेसी बाहर है, हो जाए बेटर होगा कि हम लोग टू टाइम
टाइम शैम्पू कर लिया, ये तो बहुत लोग ड्राइव करके आते हैं करते तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, डस्ट मतलब बहुत ज्यादा होता है। स्पेशली स्पा के वक्त कभी भी हॉट वाटर यूज मत करना। हेयर साइंस अनुसार आम जो टाइप रेट हुए जमी स्किन चिन्ह कत बढ़िया देखा जा चित्र खाली मुह मुह मन बड़ा से देखा गोला बैठ जाइए इनका बहुत ज्यादा टेंगल है तो थोड़ा सा आएगा सीधे टिक्के दो पार्टीशन गए मेरे सामने दीदी आप आ रहे हो मेरी तो मोटी दिख रही हूँ ठीक है तो ये हेयरलाइन से नेप एरिया तक एक सेक्शन और ईयर टू ईयर सेक्शन ये क्या हुआ चार बेसिक सेक्शन यहाँ 1 2 3 4 चार बेसिक सेक्शन यही हमारा हर चीज में काम होगा ठीक है स्पा में स्मूथनिंग में केराटिन में जो भी हमारा ट्रीटमेंट तो यहाँ हेयर का जितना भी चीजें होगा हम लोग का ऐसे ही सेक्शन होगा वो एक रीजन है ठीक है और वो रीजन नहीं है हाँ ठीक है ना अभी पूरा खुला करके तो नहीं कर सकते अगर कर भी लिया तो सबको मतलब नहीं मतलब वैसे तो मैं ऐसे ही करती हूँ मेरे को टफ करना है तो फिर मैं ऐसे ही करके छोड़ देती हूँ स्पा क्रीम माइल्ड होता है फिर भी हमें स्कल्प में नहीं लगना चाहिए मसाज के बाद थोड़ा लगता है वो अलग बात है लेकिन हम लोग ज्यादा टाइम तक स्कल्प में नहीं रखना तो हम लोग को डैब डैब सेक्शन लेके हम लोग को क्या करना है लगाना है एप्लीकेशन करना है ठीक है हाँ इसके बाद टू फिंगर्स से ये दो फिंगर इसको क्या बोलते हैं इमल्सीफाई जो हम लोग जो डैब डैब सेक्शन पहले लिए एप्लीकेशन जो भी किया हम उसके बाद हमें क्या करना है टू फिंगर्स में हम लोगों को इमल्सीफाई करना है इसको क्या बोलते हैं इमल्सीफाई ओके ऐसे 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 नीचे तक पूरा नीचे तक क्योंकि कभी कभी लंबे बालों में ना हम लोग लेंथ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते लेकिन हमें किस पे ज्यादा जरूरी है नरिशमेंट का लेंथ पे ही जरूरी है लेफ्ट एरिया से इतना तक हम लोग का हेल्दी ही रहता है लेकिन उससे नीचे क्या रहता है हमारा डैमेज रहता है समझ रहे हो ना क्योंकि वहाँ सीबम लेवल रहता है तो सीबम लेवल क्रिएट होता है क्योंकि वो है हमेशा थोड़ा सा हेल्दी रहता है लेकिन नीचे के बाल हमारा ज्यादा डैमेज रहता है तो पूरा बाल को हमें इमल्सीफाई करना है उसके बाद कॉम करके नीटली हमें छोड़ना है माई दी थोड़ा साइड वो स्प्रे है ना यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर लाइट ऑफ कर दूँ
वो लोग सब फोटो खींच रहे हैं मॉडल को छोड़ के, ये मना है। माही थोड़ा जोर से बोलना। जाओ छो मसाज देखी की चल पढ़ो, मसाज खाली देखी की पढ़ो है ना, क्योंकि ना मसाज ही मेन। सिद्धि मैम कैसे फील हो रहा है? टाइमिंग है 7:56। इटा को कैमरा रुकोर छो मो पूरा एकदम हॉरिजॉन्टल कित मजा आई गना साइड रस्ची को ये रुकोर छो इटा मोबाइल कौन वीडियो बहुत बढ़िया आसुची ब्लश ब्यूटी सलोन एंड एकेडमी रो पार्ट हुआ तो
एतिके मोर प्रॉमिस रहबो कि अपन मन आराम से सेटिस्फाई हेबे मोर टीचिंग रे और मोर टीम रे टीचिंग रे। थैंक यू सो मच। असं